यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स का दुनिया में अमन और शांति कायम करने में एक अहम किरदार है। यूएन चार कॉन्टिनेंट्स पर 15 शांति मिशन चलाता है। नागरिकों की हिफाजत करना, लड़ाई को रोकना और मुस्तकिल अमन में मदद करना इनका बुनियादी मकसद है। भारत को 13 मिशन में से 8 में तैनात किया गया है, जिसमें कांगो, साउथ सुडान, गोलान हाइट्स, इथोपिया, लबनान वगैरह शामिल हैं। भारत यूएन पीस कीपिंग में सबसे आगे रहा है। भारत ने 1950 में सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन, कोरिया में मेडिकल और पीस कीपिंग फौजी दस्तों की मुहैया की थी। तब से भारत ने 71 मिशनों में से 49 में हिस्सा लिया है और तकरीबन 2,40,000 फौजियों का योगदान दिया है। भारत 2007 में यूएन मिशन के लिए महिला पुलिस दल को लाइबेरिया में तैनात करने वाला पहला देश था। The contribution you have made to inspiring Liberian women, for that we'll always be grateful. भारतीय सेना के तकरीबन 160 सैनिक यूएन मिशन में शहीद हुए थे। एक नाम जो जहन में आता है वह है कैप्टन गुरबचन सिंह सहलारिया, जिन्हें 1961 में विद्रोहियों के खिलाफ बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इंडियन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस सुरक्षा के साथ साथ लड़ाई से बेहाल आम जनता की मेडिकल और वेटनरी मदद और स्किल डेवलपमेंट कर उनकी रोजी रोटी कमाने में भी मदद करते आए हैं। दुनिया भर में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के काम की तारीफ की जाती है।